फर्जी तरीके से नेपाल के उपराष्ट्रपति के विशेष सांस्कृतिक सलाहकार बनकर उज्जैन सर्किट हाउस में ठहरे तीन लोगों का जांच में खुलासा हुआ है। प्रोटोकॉल लेने के लिए तीन दिन पहले ही एसपी कलेक्टर को फर्जी तरीके से पत्र जारी किया गया था। थाना माधवनगर में प्रकरण दर्ज कर तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों पर राजस्थान के कई थाना क्षेत्रों में भी प्रकरण दर्ज है। देश भर में वीवीआईपी के नाम पर ऐशो आराम करने वाले तीन जालसाजों को माधवनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाप को अगर एक नंबरी की संज्ञा दें तो बेटा 10 नंबरी है और भाई 100 नंबरी है। सभी ने मिलकर देश भर के वीआईपी स्थानों पर ऐशो आराम किया और सरकार की नींद हराम कर दी। मध्य प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकार ही नहीं बल्कि भारत सरकार भी इन नंबरियों को तलाश कर रही थी। माधवनगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि सर्किट हाउस पर तीन लोग ठहरे हुए हैं। तीनों खुद को नेपाल के उपराष्ट्रपति का सलाहकार बता रहे हैं। पुलिस ने जब मौके पर पहुंचकर तीनों की तस्दीक की तो तीनों अलग अलग जवाब देने लगे। पुलिस ने मौके से महावीर प्रसाद, प्रमोद और कुलदीप को गिरफ्तार किया। इसके बाद जब थाने लाकर उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कई चौंकाने वाली जानकारियां दी। तीनों आरोपी राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। वे देश भर में वीआईपी बनकर सरकारी ठिकानों पर आराम फरमाते थे। इतना ही नहीं, कई लोगों के साथ उन्होंने जालसाजी भी की, लेकिन आज तक पुलिस की पकड़ से बचते रहे। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश ही नहीं राजस्थान पुलिस को भी उनकी तलाश थी। इसके अलावा भारत सरकार भी इन जालसाजों को लेकर परेशान थी। माधवनगर पुलिस में घटना की जानकारी भारत सरकार तक भिजवा दी है। पुलिस अधीक्षक सचिन कुमार अतुलकर सेंट्रल एजेंसी से लगातार चर्चा कर रहे हैं। ये उज्जैन पुलिस द्वारा तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये अपने आप को नेपाल के उपराष्ट्रपति जी का सांस्कृतिक सलाहकार बता रहे थे। इनके पास कुछ परिचय पत्र और दस्तावेज प्राप्त हुए हैं जो प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत होते हैं। इनके द्वारा विभिन्न प्रदेशों में, कई जिलों में अपने आप को एडवाइज़र बताकर इस प्रकार से भ्रमण किया गया, जिसमें साँच की सुविधाओं का उपयोग किया गया है, पुलिस सिक्योरिटी ली गई है और ऐसे स्थानों पर रुके जो शासन के कंट्रोल में रहते हैं। इनके द्वारा कहीं पर टूरिज्म और मंदिर दर्शन में भी सुरक्षा प्राप्त की गई है। इसके अतिरिक्त इनके पास कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, अलग अलग एनजीओस चलाते हैं जिसमें लोगों को सांस्कृतिक भ्रमण के नाम पर पैसा लेते हैं। इनको फर्जी आई कार्ड भी सलाहकार के रूप में जारी करते हैं। वो दस्तावेज भी इनसे जब्त हुए हैं। आगे पुलिस पूछताछ करेगी और जानकारी सामने आ सकती है। उज्जैन से राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट।